को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिल सके और इस योजना से रंका और रमकंडा की 11 पंचायतों के लगभग 16,000 घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और 64,000 लोग इससे सीधे लाभान्वित होंगे। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सरकार क्या करेगी? सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। हमारे बहुत सारे स्कूल प्लस टू में अभी उत्क्रमित किए गए हैं। हमारे स्कूलों को मॉडल स्कूल, बहुत सारे स्कूलों को मॉडल स्कूल में परिणत किया जा रहा है। शिक्षकों की बहाली की जा रही है। आज ही आपने देखा होगा कि लगभग मुझे लगता है कि 72,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों को, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सड़क निर्माण की बात हो, आज बता देता हूँ आपको मैं कि लगभग 200 करोड़ की लागत से शाहपुर से लेकर आपको डंडई तक सड़क निर्माण हमने मंजूरी दिलाई है और बहुत जल्द योजना धरातल पर उतरेगी, उसका काम होगा, जिससे सीधा सीधा लाभ गढ़वा जिले की जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यूपी से और छत्तीसगढ़ से दूरी कम होगी प्रमंडल मुख्यालय की। तो बहुत सारी योजनाएं भी बिजली के मामले में आपने देखा कि बिजली के मामले में हमने किस तरह से स्वावलंबी बनाया गढ़वा को, और अभी मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर मेराल ग्रिड का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, जिससे जो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। सर, एक सवाल, बताया 64 करोड़ की योजना की लागत से रंका रमकंडा बृहद जलापूर्ति योजना आज शिलान्यास किया गया है। काम पहले ही शुरू